आर्यन सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजाराम सत्यार्थी पॉलिटिक के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन लेकर के आज उपस्थित हूँ। हम जानेंगे स्थानीय स्वशासन क्या है। इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, मैं बता दूँ कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें शासन के निचले स्तर तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना और उनकी रुचि को और बढ़ावा देना, स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य यहाँ से है। और मैं बता दूँ कि ये स्थानीय जो स्वशासन है, यह स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल से अर्थात मौर्य काल से चलता आ रहा है। यह मौर्य काल में भी यह प्रसिद्ध था, ये मौर्य काल के समय भी यह स्थानीय स्वशासन चलता था और मध्यकाल में भी आप लोगों का मुगलों के शासन काल में यह स्थानीय स्वशासन प्रचलित था। और यह स्थानीय स्वशासन आधुनिक युग में भी अर्थात ब्रिटिश काल के अंतर्गत ये फेमस था, प्रचलित था भारत में। जैसे मैं बता दूं 1864 ईस्वी में, देखिए इधर 1864 ईस्वी में भारत सरकार ने स्थानीय स्वशासन को मान्यता दिया। 1864 ईस्वी में भारत सरकार ने स्थानीय स्वशासन को मान्यता दिया। ठीक है, अब देखिए स्थानीय स्वशासन को जब मान्यता दे दिया तो आगे चल करके 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो पंचायती राज को कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्ता प्रदान किया। 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को मैंने बताया अभी आप लोगों को कि 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्ता प्रदान किया। क्या चीज? कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया। और आगे चल करके आपका 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, ये उस समय 1882 ईस्वी में ये वायसराय थे। तो लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव को पारित कर दिया। और उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद उस प्रस्ताव को पूरे देश में एक प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव का क्या पूरे देश में लागू कर दिया, जिसमें जिसके अंतर्गत तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड स्थापित किया। देखिए अभी मैंने बताया आप लोगों को कि 1882 ईस्वी में
तत्कालीन वायसराय जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, उन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव लाया जिसके द्वारा अर्थात जिससे पूरे देश में तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान किया और इस प्रस्ताव को जो प्रस्ताव लाया था उस प्रस्ताव को इसने मैग्न कार्टा कहा। क्या कहा? मैग्न कार्टा, मैग्न कार्टा कहा। मैग्न कार्टा कहा जाता था। पूरा लिख लीजिए इसको। मैंने बताया कि 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन जो प्रस्ताव लाए थे उस प्रस्ताव को मैग्न कार्टा कहा गया और आगे चल करके यह पूरा आपका आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे हम लोग स्वतंत्रता की तरफ अग्रसर हुए और आगे चल करके हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी भी हमें मिल गई। और मिलने के बाद सॉरी देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, मैग्न कार्टा है। देखिए आगे चलते हम लोग। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी का सपना था कि भारतीय जनता जो दबे कुचले लोग हैं वे लोग उन लोगों को भारतीय शासन में रुचि पैदा करने के लिए अर्थात उनका विकास करने के लिए सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से उनका विकास करने के लिए स्थानीय स्वशासन लागू करना ज़रूरी है। वे उस पर काम कर रहे थे ताकि लागू कर दिया जाए। तो गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अमेरिका के सहयोग से किसके सहयोग से अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर, ये देखिए 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी, मैंने बताया अभी आप लोगों को कि महात्मा गांधी जी का यह सपना था कि भारतीय जनता जो दबे कुचे लोग हैं जो उतने स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं उनकी इस व्यवस्था के अंतर्गत रुचि पैदा करना, उनका सामाजिक विकास आर्थिक विकास हो, इसलिए वो लागू करना चाहते थे। लेकिन उनका डेथ 48 में ही हो गया। तो गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अमेरिका के सहयोग से एक विकास कार्यक्रम लाया और उस विकास कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाए और यह कार्यक्रम लाने के बाद यह भारत में लागू किया गया। जब भारत में लागू किया गया तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया है भारत में इसका उद्देश्य क्या था। ये पेपर में कई बार पूछ भी चुका है कि अमेरिका से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लेकर आए थे उसका उद्देश्य क्या था। तो मैं बता दूं, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि भारतीय जनता का आर्थिक विकास सामाजिक विकास में पुनरुद्धार करना और शासन के निचले स्तर तक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था आर्थिक विकास और सामाजिक विकास का पुनरुद्धार करना। देखिए
मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमेरिका से एक विकास कार्यक्रम लाए थे जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था भारतीय जनता का आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, ठीक है, और शासन के निचले प्रणाली तक भारतीय जनता का रुचि पैदा करना था, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, जो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लाया गया था, ये कार्यक्रम रियल में विकास करने के लिए लाया गया था, लेकिन यह विकास कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित रह गया, वह जनता तक नहीं आ पाया। जो भी लाभ आते थे ये लाभ जनता तक नहीं पहुँच पाते थे, वो सारे के सारे लाभ सरकारी कर्मचारी ही ले पाते थे, इसलिए यह कार्यक्रम आगे तक नहीं बढ़ पाया, अर्थात जनता तक नहीं बढ़ पाया। जब जनता तक नहीं जाएगा, जिसके लिए कोई काम किया जा रहा है और वो उस व्यक्ति को विकास ना हो, तो फिर उस विकास कार्यक्रम का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसलिए हुआ क्या कि अब विकास कार्यक्रम को रोक दिया गया, ठीक है, समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो भारत सरकार ने विचार किया कि आखिरकार यह विकास कार्यक्रम जो लाया गया था असफल हो गया, तो इसका असफल का मेन उद्देश्य क्या है, क्या कारण कि असफल हो गया। इसलिए असफलता के कारण और स्थानीय स्वशासन में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम रखा गया बलवंत राय मेहता समिति। तो आइए हम चलते हैं समितियों को लेकर के क्रम से समितियां पढ़ेंगे, पहले बलवंत राय मेहता समिति, फिर पढ़ेंगे हम लोग अशोक मेहता समिति, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पीवी के राव समिति, फिर पढ़ेंगे हम लोग डॉक्टर एल एम सिंधवी समिति अर्थात लक्ष्मी मल सिंधवी समिति, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पी के थुंगन समिति। ये समितियाँ जो हैं समय समय पर इसलिए गठित की गई ताकि वे लोग विकास अर्थात स्थानीय स्वशासन को कैसे मजबूत बनाया जाए और भारतीय जनता का विकास कैसे हो, यह अपना सिफारिश देंगी। तो आइए हम चलते हैं लेकर के आप लोगों को बलवंत राय मेहता समिति पर। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय समिति जो आपका 1956, दूसरा अशोक मेहता समिति जो आपका 1977 में आया, फिर पीवी के राव समिति जो आपका 1986, फिर सॉरी 85, फिर एल एम सिंधवी समिति जो एल एम सिंधवी समिति जो आपका 1986 ईस्वी है, ठीक, और लास्ट आपका जो है पी के थुंगन समिति, पी के थुंगन समिति जो आपका 1988 है। देखिए ये क्रम से समितियां गठित की गईं और इन समितियों गठित करने का मेन उद्देश्य था कि स्थानीय स्वशासन को कैसे मजबूत बनाया जाए, पिछले कार्यक्रमों के अंतर्गत कौन कौन सी कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए
और उनमें और मजबूती लाने के लिए, सुधार लाने के लिए इन समितियों क्रम से गठन किया गया और इन समितियों ने क्रम से अपना सुझाव दिया। तो आइए हम देखते हैं पहले बलवंत राय मेहता समिति। देखिए बलवंत राय मेहता समिति, मैं बता दूं आप लोगों को कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था 1952 ईस्वी में, लेकिन उस कार्यक्रम से जनता का कोई लाभ नहीं हुआ। जब जनता का कोई लाभ नहीं हुआ, ये जनता के लिए आया था इसलिए वो असफल हो गया। जब असफल हो गया तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और यह बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में किया गया। और जब गठन किया गया 1956 में तो इस समिति ने 1957 ईस्वी में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ये सुझाव दिया, अर्थात सिफारिश किया, पहला सिफारिश किया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है अर्थात स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन को त्रिस्तरीय होना चाहिए। कितना होना चाहिए? त्रिस्तरीय पंचायती राज अर्थात स्थानीय स्वशासन। राज पंचायती राज को त्रिस्तरीय बताए, कौन कौन सा? तो देखिए इधर ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा जो है आपका जिला परिषद। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बलवंत राय मेहता जो समिति थी, इस समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे में बताया कि पंचायती राज व्यवस्था तभी उचित रूप से विकास कर सकती है जब उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा और प्रखंड स्तर पर, इसको हम लोग यूपी में हम लोग बोलते हैं क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, इसको पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत बोलते हैं। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि पंचायत समिति कहाँ कहा जाता है, क्षेत्र पंचायत कहाँ कहा जाता है, तालुका बोर्ड कहाँ कहा जाता है और अंचल समिति कहाँ कहा जाता है, आंचलिक समिति कहाँ कहा जाता है, ये आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए तो इन्होंने ये सिफारिश किया त्रिस्तरीय, और त्रिस्तरीय सिफारिश करने के बाद जब इतना स्ट्रक्चर दे दिए तो उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय जब हो जाएगा तो यह स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित कर देगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा, ठीक है। और ये इतना कहने के बाद बलवंत राय मेहता समिति को भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है या शिल्पकार कहा जाता है। ये काफ़ी इंपोर्टेंट है, ये पेपर में पूछ भी चुका है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार
वास्तुकार या शिल्पकार। कहा जाता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेपर में पूछता है यहाँ पर कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो क्रम से समितियाँ गठित की गई थीं उन समितियों में किस समिति को भारतीय पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है या किस समिति को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है। और इतना करने के बाद मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति एक बात कहती है कि जरूरी नहीं है त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय तो सही है विकास करने के लिए, लेकिन वे राज्य, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बलवंत राय मेहता समिति भी एक और सिफारिश की कि वे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ पर द्विस्तरीय भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, अगर मान लीजिए 20 लाख होगी तब तो त्रिस्तरीय लागू किया जाएगा, लेकिन अगर 20 लाख से कम होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे त्रिस्तरीय होगा, द्विस्तरीय भी पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पे लागू हो सकता है। और मैं बता दूँ आप लोगों को, अब आगे चलते हम लोग अशोक मेहता समिति पर। अशोक मेहता समिति दूसरी क्या गठित की गई थी, अशोक मेहता समिति जो आपका भी मैंने बताया कि 1977 ईस्वी में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति यह इसलिए गठित की गई कि यह बताए कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर असफल हो पा रही है, कहाँ तक असफल हो जा रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पंचायती राज